तो ये हमारा शिमला मिर्च का भरवा बनके तैयार है, बिल्कुल मसालेदार। शिमला मिर्च के भरवे के लिए हमने 4 शिमला मिर्च लिया है और उसके डंठल को हम बीच से काट के इस प्रकार से निकाल देंगे। तो ये देखिए, ध्यान से आप निकालेंगे, चाकू आपके हाथों को ना लगे। तो इसी प्रकार से हमने सारे शिमला के ये बीच वाले डंठल को हम निकाल देंगे। बस केवल इसे निकालना है, बस बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बीज इसके अंदर रहते नहीं हैं, 2-4 बीज रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमने सारे शिमला को निकाल लिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज और 2 हरी मिर्च और हरी धनिया को हमने काट लिया है। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और खड़ा जीरा डालेंगे। उसके बाद हम हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। आप तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हरी मिर्च का प्रयोग करें। तो ये हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे बिल्कुल बारीक बारीक इस प्रकार से काट लिया था। तो ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें अदरक ऐड कर लेंगे। अदरक हमने 1 इंच के आसपास का टुकड़ा उसे घिस के इसमें हम डालेंगे। तो अदरक को भी हम लगभग 1-2 मिनट इसे भूनेंगे। उसके बाद ये हमारा, तो अब हम इसमें बॉयल किए हुए आलू डालेंगे। आलू हमारा 400 ग्राम के आसपास हमने लिया था, तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इस आलू के भरते को अच्छे से भून लेंगे ताकि हम शिमला में अच्छे से भर सके इसमें शिमला मिर्च में। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो रही है। तो अब हम यहाँ पे नमक डालेंगे, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और ये थोड़ी सी गरम मसाला। ये सारे मसाले हमने बिल्कुल आधी आधी चम्मच लिया है। आप चाहे तो, आपको कम ज़्यादा मसाले पसंद हो तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनली आलू के भरते भून के तैयार है। अब हम इसमें हरी धनिया ऐड कर लेंगे और इसे 1-2 मिनट और पका लेंगे ताकि हमारा हरा धनिया भी अच्छे से सॉफ्ट हो सके। तो अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो आप किसी चाकू की मदद से या चम्मच की मदद से इस प्रकार से आप इसमें स्टफिंग को डालेंगे। तो ये देखिए हमारा आलू का भरता इसमें बिल्कुल एकदम पूरा कस के प्रेस करके इसमें डालेंगे और खाली बिल्कुल नहीं रहने देना इसमें। तो ये देखिए हमारा फाइनली आलू की स्टफिंग भर के तैयार है। तो इसी प्रकार से हमने सारे शिमला मिर्च को इस प्रकार से भर लिया हमने। तो अब हम इसे तल लेंगे। तो तलने के लिए हम ज़्यादा इसमें तेल का प्रयोग नहीं करेंगे, वही फ्राई पैन में हम लेके थोड़ी सी तेल डाल के इसे बारी बारी से इसे रख के इसे कवर करके इस प्रकार से बिल्कुल लो टू मीडियम पर पकाएँगे। ज़्यादा फ्लेम को हम तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये हमारा जल जाएगा, ये पकेगा भी नहीं अच्छे से। तो ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से धीरे धीरे पक रहा है ये देखिए, है ना। तो आप फ्लेम को बिल्कुल ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, लो टू मीडियम पे पकाएंगे। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फिर से हम कवर करके पकाएंगे इसे। यहाँ पे ध्यान से पकाएंगे क्योंकि इसके तेल के छींटे उड़ते हैं, तो आप कवर करके ज़रूर पकाएं इसको। तो ये जल्दी पक भी जाएगा और ये छींटे भी नहीं पड़ेंगे। तो ये देखिए, आप किसी काटे दार चम्मच से इसे पलट सकते हैं ताकि इसे पलटने में आसानी होती है। तो इसी प्रकार से हम बारी बारी से इसे कवर कर करके इसे पलट के पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा अच्छे से पक रहा है ये शिमला। तो फाइनली, तो ये देखिए फाइनली हमारा भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी ये फाइनली तैयार हो गई है। ये अच्छे से देखिए कितना अच्छा से पका है ये। तो आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को पकाएं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो फाइनली कितनी आसान है ये
भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी बनाना। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।